आज का जो दिन है हिंदी साहित्य के लिहाज से एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिसके प्रकाश से हमारा साहित्य जगत आज तक प्रकाशमान है। साथ ही आज का दिन प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना दिवस है। दोनों ही प्रासंगिक हैं। आज का लेखन इस बात की ताकीद करता है कि कहीं ना कहीं जो लेखन में भटकाव आया है, कहीं ना कहीं लेखन में जो खामोशी आई है, वो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के समय जो आवाज़ की बुलंदी थी, वो बुलंदी की वापस कहीं जरूरत है। आप लोग अपने विचार। सक्सेना साहब, देखिए, आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ और कुछ बात से सहमत नहीं। कारण यह है कि प्रगतिशील लेखक संघ ही नहीं, 100 में से 90 लेखक गिरोहबंदी के शिकार हैं आज की तारीख। आज की आप 10 साल का ले लीजिए, 1 दशक का, पिछले का। और वो गिरोहबंदी ऐसी कि तू मुझे शॉल उड़ा और मैं तुझे शॉल उड़ाऊँ, और ये स्थिति बहुत खराब, खतरनाक है साहित्य लेखन में, क्योंकि इसमें साहित्यकार की प्रतिबद्धता कम है, उसके रिश्ते ज़्यादा, लाइजन ज़्यादा सामने आता है, लाइजन शब्द ज़्यादा काम होता है। तो कम शब्दों में यही कहूँगा कि सबसे पहली ज़रूरत है कि कोई सी भी संस्थागत संस्था हो साहित्य से जुड़ी, वो पहले ये तय करें कि हम क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। वो अपने लेखन को बांट सकता है कि ये तो मेरा अपना सुख है और ये मैंने ऐसा लिखा है जो प्रकाशित होकर और लोगों के पास जाएगा और हो सकता है कोई ना कोई दिशा निर्धारित करेगा। तो ऐसा कोई विचार इसमें मुकम्मल रूप से आना चाहिए, साहित्यकार को सोचना चाहिए, मेरा अपना सोच है। दूसरी पक्ष जो आपने कहा कि जब शुरू हुआ तब ये स्थितियां और थीं, और अब आपने भी कहा कि वो सही महसूस होता है कि वो तीव्रता या वो तेवर नहीं है, बुलंदी नहीं है साहित्य के। सही, वो तेवर नहीं होने का भी एक यही एक तरीका सामने आ रहा है, कारण सामने आ रहा है कि तेवर कहाँ से आएंगे, क्योंकि साहित्यकार की जो प्रतिबद्धता थी, लिखने की जो शर्त थी, उनके लेखन को भी आप देखें तो नटशेल में तक आ जा सकता है, बड़ी तीव्र तीखी बातें भी हैं। कैसा प्रगतिशीलता थी दरअसल, आप उसे प्रगतिशीलता थी जहां ये कह दीजिए, लेकिन वो उनकी यायावरी बंदी, हाँ यायावरी उसी के आधार पर थी, उसी के आधार पर। ये तो आप सैनिक जो देख लेंगे, महसूस करेंगे, उनको पढ़ेंगे तो वो वैसी तो मानसिकता दिखने लगी लेखक की। अब चाहे आप इंटरनेशनल फेस्टिवल करके नाम पर कर लीजिए, चाहे आप JKK में कर लीजिए, राजस्थान की बात करें तो, लेकिन सब जगह ऐसा हो रहा है जैसे कि एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है और हमें नामचीन लोगों को, जिनको कि हमने नामचीन करार दे दिया है, जिनको स्थापित कर दिया, स्थापित हमने ही कर दिया हमने है, और इसमें उनकी योग्यता को सही तरह से नहीं बातचीत हुई है, वो लाइजन काम कर रहा है कि वो कितने प्रतिष्ठित लोगों से मिला हुआ है या उसकी जोड़ तोड़ है, कैलकुलेशन। तो इस पर विराम लगना चाहिए, इस पर सोचा जाना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा शुरुआत में। सक्सेना साहब ने बात को बड़े अच्छे ढंग से दो पक्षों में रखा है। आवश्यकता है, बिगाड़ भी है, तो बिगाड़ का कारण भी बताया है उन्होंने, और वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार कौन है ये भी बताया। डॉक्टर मनु हमारे बीच में, मैं आपसे ही आशा करता हूँ कि शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सहमत हैं या असहमत हैं, लेकिन हाँ, आपके विचार इस परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रासंगिक होना। देखिए क्या है सुमन साहब, कि जिस जमाने के अंदर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, उस समय
उस तरह के एक वैचारिक आंदोलन की इस देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने जरूरत महसूस की। ठीक है, देश को आवश्यकता थी। बिल्कुल जी सर, ये आपकी देश को जरूरत थी ये चीज है उस वैचारिक आंदोलन की। ठीक है, और उस वैचारिक आंदोलन के चलते ये केवल भारतवर्ष का ही मामला नहीं है। ठीक है, सारी दुनिया के अंदर, विश्व कप, सारी दुनिया के अंदर जो है वो, चूंकि दुनिया जो है वो धीरे 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 करके दो खेमों के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। एक खेमा जो था वो सीधे सीधे साम्राज्यवादी ताकतों और उपनिवेशवादी ताकतों का था, और दूसरा खेमा वो था जो जो दुनिया के अंदर जितने भी मुक्ति आंदोलन चल रहे थे उन मुक्ति आंदोलनों का समर्थक था और उनको उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खेमे से बाहर निकाल करके एक आजादी का एहसास कराने का जो भाव था वो उस भाव को जो है वो आगे बढ़ा रहे थे। शोषक और शोषितों के बीच, अगर मैं सीधे सीधे ये कहूं तो एक तरफ वे ताकतें थी जो दुनिया के अंदर जो गुलाम देश थे, जो दूसरे देशों के अधीनस्थ थे, जिनके ऊपर साम्राज्यवादी ताकतों ने अपना जो है शिकंजा कस रखा था, उन साम्राज्यवादी ताकतों के शिकंजे से उनको बाहर निकालने के लिए प्रयासरत, उनको उनको सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे, और दूसरी तरफ वो ताकतें थी। इसके अतिरिक्त एक माहौल जो है ना वो दुनिया के अंदर इस तरह का बन चुका था कि जो गरीब, उपेक्षित, शोषित पीड़ित है उसके उसके आवाज को बुलंदी देने की जरूरत दुनिया के अंदर है, प्रतिनिधित्व चाहिए उसको। हाँ, उसको, और वो जो आवाज थी उस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की जाए, और उस वैचारिक पृष्ठभूमि के चलते ही जो है प्रगतिशील लेखक संघ अस्तित्व में आया। ठीक, भगत सिंह भी शायद कहीं इसी विचारधारा के देन, बिल्कुल भगत सिंह इसी विचारधारा के थे। लेकिन चूंकि उस जमाने तक, भगत सिंह के समय तक जो है ना वो प्रगतिशील लेखक संघ जो है ना अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन विचारधारा तो वही, विचारधारा बिल्कुल वही, शोषण के विरुद्ध बिल्कुल वही थी उनकी विचारधारा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके दुनिया भर के तमाम देशों ने अपने यहां पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, और उसके माध्यम से, ऐसा नहीं है कि प्रगतिशील लेखक संघ के जरिए जो लोग साहित्य के अंदर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं वो कोई दोयम दर्जे के लोग हैं। मुंशी प्रेमचंद, आप कल्पना कीजिए, लूफुन चीन के अंदर है, तो ऐसे जो लोग हैं सज्जाद जई, भाई चलो ये लोग तो हमारे यहाँ पर स्थापना उसके संस्थापकों में से रहे हैं, चाहे वो मुल्क राज आनंद रहे हो, साहिर सज्जाद जही रहे हो, भवानी भट्टाचार्य रहे हो, ये तो है, फैज अहमद फैज वगैरह रहे हो, ये लोग तो उनके संस्थापकों में से थे। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद भी इस आंदोलन के जरिए जो लोग सामने आए उन लोगों ने साहित्य के अंदर जो है जिन मूल्यों की स्थापना करने पर जोर दिया और साहित्य को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया। देखिए मैं एक बात कहता हूं सुमन साहब की परफेक्शन की जो तलाश है
वो तो अपने आप में एक छलावा होती है। ठीक सही है, ये बात सही। हम ये मान करके चले कि भी किसी आंदोलन से जुड़ने के परिणाम स्वरूप जो है ना कोई चीज अपने आप में परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों के अंदर भी जो है ना कमियां होती हैं, और जो आंदोलन से जुड़े हुए नहीं होते हैं उनके अंदर भी जो है ना अच्छाइयां होती हैं। नैसर्गिक चीज है वो एक नैसर्गिक चीज है। तो इसलिए उसके लिए हम किसी आंदोलन को जो है ना दोषी ठहरा दें, वो मैं उस चीज का कतई जो है ना समर्थक नहीं। सही है, उसमें आंदोलन का कोई दोष नहीं होता है, उसमें दोष तो हमारी अपनी कमजोरियां हैं। सही भाई, हमारी अपनी कमजोरियां हैं। अन्यथा मुझे एक बात बताइए कि जिस प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की, उन मुंशी प्रेमचंद ने तो कभी प्रगतिशील लेखक संघ से अपेक्षा नहीं की थी कि मुझे कहीं स्थापित करो या मेरा कहीं नाम करो, या उस प्रगतिशील लेखक संघ के अंदर जो है मुक्ति बोध ने तो कभी ये अपेक्षा नहीं की थी। फैज अहमद फैज ने तो ये अपेक्षा नहीं की थी, पद ही नहीं मांगे उन्होंने, नहीं कुछ नहीं मांगा। इवन मैं तो कहता हूं कि राहुल जी को देख लीजिए, उनको क्या मिला, उनको क्या। तो कहने का मतलब उससे उससे जो है ना उस संघ का कोई संबंध नहीं है। वो संघ तो कुल मिलाकर एक विचारधारा, एक नहीं एक प्लेटफॉर्म था, वो एक प्लेटफॉर्म था जिससे क्या है कि समान तरीके से सोचने वाले तमाम जो लोग हैं वो लोग एक मंच के ऊपर आए, एक मंच के ऊपर आकर के और अपनी आवाज को पूरी बुलंदगी के साथ सत्ता और व्यवस्था के सामने रखे। और आज तक भी अभी भी कोशिश यही रहती है। अब रही बात यह है कि देखिए कई बार आंदोलनों के अंदर कुछ कैरियरिस्ट तरह के लोग, किस्म के लोग भी आ जाते हैं, और वो लोग जो है ना उन आंदोलनों को सीडी बना करके और अपने जो निजी हित हैं उनको साथ ले जाते हैं। वो तो उनके ऐसे ऐसे जो अपवाद होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं उनके आधार पर हम किसी आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते। खारिज नहीं, उछंकलता स्वार्थ पर हम उसको खारिज नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खारिज नहीं करना चाहिए। मैं आंदोलन के अपने अस्तित्व के ऊपर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा। आपने ही दो बातें कही कि जब इसकी स्थापना होगी या जरूरत समझी गई समान विचारधारियों के बीच, देश की मांग दुनिया की मांग थी, ये आपने कहा। यहां से देश को जरूरत थी, जरूरत थी, देखिए मांग था, जरूरत थी। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि अगर हम पिछले एक दो दशक तक की बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं जाएं, तो भी क्या वर्तमान में साहित्यकार को नहीं दिख रहा है कि देश की स्थिति क्या है? नहीं तो आप ये कैसे मान करके चल रहे हैं कि वर्तमान में जो साहित्यकार हैं वो साहित्यकार जो है ना वो कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं ऐसा, हाँ सुनने विचार शून्यता तो नहीं है, विचार शून्यता नहीं है। देखिए देखिए मैं एक उदाहरण, नहीं मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, और वो उदाहरण ये है कि चाहे वो जो है ना नरेंद्र दाभोलकर हो, है चाहे वो जो है एम एस कुलवर्गी हो, कुलवर्गी है, चाहे जो है ना वो गोविंद पंसारे हो, एक वो लेडी थी क्या नाम, और चाहे वो जो कर्नाटक वाली जो महिला है उनका मर्डर हुआ जी, जिनका मर्डर हुआ है, है? तो ये जो उदाहरण है ये क्या, ये उदाहरण भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस तरह की सोच के जो लोग हैं वो आज भी उन तमाम चीजों की मुखालफत करने का जो है ना साहस लिए हुए हैं जो जिनको वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक मान करके चलते हैं, जिनको वो मानवता के विरुद्ध मान करके चलते हैं, और जिन चीजों को वो जो है एक तरह से सामंतवादी, साम्राज्यवादी और कहना चाहिए कि सांप्रदायिक संकीर्णताओं से ग्रस्त मान करके चलते हैं, परे नहीं सांप्रदायिक संकीर्णताओं से ग्रस्त मान करके चलते हैं, और जो इस समाज के समरसता पूर्ण ताने बाने को क्षति पहुंचाने वाले हैं उनके विरुद्ध खड़े होने का वो मानता भी रखते हैं। प्राणों की आहुति दे दी, इससे ज्यादा तो और क्या सोचा है? ऐसा है, आज भी आप देखिए उस सोच के लोग है, वरवर राव को देख लीजिए आप, वो आज भी जेल के अंदर है, 88 साल की उम्र है, हाँ
गौतम नवलखा को देख लीजिए, वो जो है ना वो जेल के अंदर से है, सुधा भारद्वाज को देख लीजिए वो जेल के अंदर। तो भाई कुल मिलाकर के देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए हैं या नहीं है, मूल बात ये है कि उनकी जो लाइन है वैचारिकता है, जो 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 ने वे ऑफ थिंकिंग है, वो वे ऑफ थिंकिंग क्या है उनका, और उस वे ऑफ थिंकिंग का जो है ना नतीजा क्या निकल रहा है। तो लोग ऐसा नहीं है आज भी विरोध कर रहे हैं, अपने ढंग से उनका विरोध कर रहे हैं, और सत्ता ऐसे लोगों को जो है ना वो बर्दाश्त करने की स्थिति की। और ये तो वक्त बताएगा कि वो दुष्परिणाम है या सुपरिणाम है, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा दूसरी बात ये है, क्या कारण है कि राजदीप सरदेसाई के एक जो है ना एक एक लेख के ऊपर या एक इंटरव्यू के ऊपर उसको जो है ना एक चैनल पर बाहर कर देता है, इसीलिए क्या है वो विचार जो है ना। और दूसरी बात सक्सेना जी, मैं और बता दूं आपको, अगर कोई विचार आपको निर्भीक नहीं बनाता है तो माफ करना, वो विचार फिर आपके लिए किसी तरह का विचार ही नहीं, वो उसको उसका कोई उपयोग ही नहीं, ऊर्जा ही नहीं होता। अगर आपके अंदर वो निर्भीकता पैदा नहीं करता है, बहुत बड़ी बात कह रहा था। मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ, मैं अगर शिक्षित हूँ, मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैं कुछ चीजों को समझ रहा हूँ, और वो सारी समझ जो है ना वो मुझमें अगर निर्भीकता पैदा नहीं करती है तो वो किस काम का, किस काम की, इतना साहस मुझमें अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझसे तो ज्यादा जो है ना ठीक वो आदमी है जो बिना पढ़ा लिखा है बेचारा, जो अनजान है। हाँ, जो अनजान है, अनजान है, और अपने सामने होते हुए अन्याय से लड़ने की अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करता है, जानने वाले की तुलना में, जानने वाले की तुलना ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो कोशिश करता है। तो मूल बात ये है कि विचार जो है वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार करता है, और ये जो इस तरह के मंच तैयार किए जाते हैं, इन मंचों के पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि समाज के अंदर, देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं पर भी कोई पीड़ित है, कोई शोषित है, कोई दमित दलित है, उपेक्षित है, आप उसकी आवाज को जो है बुलंदी तक ले जाए, पीड़ित मानवता के पक्ष में आप खड़े हैं, मतलब देश और देश ही नहीं दुनिया, कल भारतीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव मनुष्य जाति, पूरी मनुष्य जाति, ये आपका उस संपूर्ण मनुष्य जाति के पक्ष में, पीड़ित मनुष्य जाति के पक्ष में। आज म्यांमार के लिए कौन बोल रहा है, आज कौन बोल रहा है, मुझे आप बताइए। सही, आज जरूरत है आज उसकी है, आज उसके उन रोहिंग्या के खिलाफ कौन, रोहिंग्या के उन पर क्या बीती थी अब पता चल रहा है, उनके पक्ष में कौन खड़ा हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। तो पीड़ित मानवता के पक्ष में अगर आप खड़े नहीं हो रहे हैं तो फिर हम किसके, तो फिर किसके लिए, किसके। सही, बहुत बड़ी बात। और रही बात खुद का पेट भरने की, तो वो तो जानवर भी करता है, वो जो है वो, और कई बार तो ये है कि उसके जानवर की तो ये स्थिति हो रही है, उसके अस्तित्व के ऊपर अगर बन आती है तो वो जो है ना तनकर के भी खड़ा हो जा रहा है। मनुष्य की तो आज ये हालत हो रही है कि उसके अस्तित्व के ऊपर बन आई है, उसके बावजूद भी जो है ना वो अपनी रीढ़ सीधी नहीं कर पा रहा। बहुत अच्छी बात, मैं बहुत बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि ये जो विचार है, ये जो विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं विश्व के लिए, मानव के लिए एक बहुत आवश्यक चीज, हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वाकई अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर सब जगह साम्राज्यवादी या शोषक ताकतें ही सब कुछ आ जाएंगी तो किस्सा खत्म हो जाएगा, जो शोषित वर्ग फिर कोई मतलब ही नहीं। फिर तो कुल मिलाकर के माइट इज राइट वाला मामला है, जनरल राज आ जाए। हाँ, जनरल राज आ जाए। फिर तो जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस है, भैंस जिसके पास है कि वो जिनके, तो फिर उस कमजोर के पक्ष में कौन खड़ा होगा, दुनिया का अस्तित्व कौन खड़ा होगा उस कमजोर के पक्ष में। और कल को मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, कल को आपसे ज्यादा ताकतवर मुल्क अगर इस देश के लोगों को जो है फिर से
वही 1857 की तरह जो है ना यहाँ पर आकर के जो है ना अपना कब्जा जमा ले, व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के बहाने आ जाए, मल्टीनेशनल्स कर ही रहे हैं, वही आ गए, आने लग गए हैं, वो व्यापार करने के बहाने आ जाए और धीरे 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 करके इस देश के ऊपर जो है ना अपना जो है वो राजनीतिक और प्रशासनिक वर्चस्व स्थापित कर ले, तो आपके पक्ष में कौन खड़ा होगा फिर? जब आप किसी दूसरे के पक्ष में खड़े नहीं हो रहे हैं तो आपके पक्ष में कौन खड़ा हो? सही। और क्यों खड़ा हो? सही बात है, पर क्यों क्यों खड़ा हो आपके पक्ष में? क्योंकि आप जो है ना भाई, मैं इस मामले में देखिए क्या है कि वो सब कुछ हो, लेकिन इस मामले में मैं चीन की जो भूमिका है ना उसको हमेशा संदिग्ध मानता हूँ। वैचारिक रूप से जो है ना चीन सही है, वो वैचारिक रूप से हो सकता है जो है ना वो कहीं कहीं हमें एक साम्यता उसमें नजर आती हो, लेकिन चीन के साथ में एक सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि चीन पीड़ित मानवता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। वहाँ साम्राज्यवादी है वो, वहाँ वो साम्राज्यवादी है। नहीं, वो साम्राज्यवादी उस रूप में नहीं है, वो साम्राज्यवादी नहीं है, बल्कि वो कहिए कि वो जो है ना वो अंतरराष्ट्रवादी है। नहीं, वो शोषण के लिए वो अपने अपने वो क्या है, ये जो चीज थी, ये चीज मैं आपको बताऊं 1917 की जो है ना बोल्शेविक क्रांति के बाद में सोवियत संघ के अंदर थी। सोवियत संघ जो है वो पीड़ित मानवता के पक्ष में खड़ा होता था। और आप आश्चर्य करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जितने मुक्ति आंदोलन चले उन मुक्ति आंदोलनों को उसने समर्थन दिया। क्यों दिया? इसलिए क्योंकि उस विचारधारा के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य है, जो 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 मानवता के प्रति जो है वो एक सम्मान का भाव है, मनुष्यता को एक जो है गरिमामय स्थिति के अंदर पहुंचाने की जो ललक है उस वो वहां पर दिखाई पड़ रही थी। और आज चाइना के पास नहीं, क्यों म्यांमार में समर्थन पहले भी नहीं थी चाइना, आज की बात, आज भी वो उनके पास। मेरा मानना ये है कि आप वैश्विक परिस्थितियों देखें, जिस ये ठीक है कि रूस ने पूरे विश्व भर में मदद की, लेकिन जिनकी मदद की वो आज आपका हिंदुस्तान कहाँ किसके पाले में खड़ा है? तो चीन मदद करने वाले की गलती नहीं है। हाँ, मैं देखिए हम ऐसे नालायकों की गलती है ना, जो उससे इसमें मदद करने वाले की गलती, खड़े होकर और उसके बावजूद उसके साथ, ये गलत बात है। ये तो हमारी जो है आपको ऐसे संकट में, नहीं नहीं आपका कहना है कि आपकी चैरिटी का कोई मिसयूज कर रहा है, इसमें चैरिटी देने वाले का कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, वो नहीं आ रही, लेकिन चाइना पे जो आप ब्लेम कर रहे हैं तो वो उस परिवेश को समझ के भांप के वो अपन खुद को तो सुरक्षित रखने के लिए उनका वो सही है, खुद को सुरक्षित नहीं, वहां तक तो सही है, लेकिन आप अगर सुरक्षित नहीं रहे तो किसी की क्या मदद करता है? और अपनी बात को आप थोड़ा सा विस्तार से इस बात को खुलासा करता ताकि ये भ्रम, चलो जिस जमाने के इस दुनिया में जो है वो शीत युद्ध चल रहा है, सही, और उस जमाने के अंदर चाइना ने अपने आप को जो है ना थर्ड पर्सन बना रखा, नहीं अपने आप को इतना मजबूत बनाने के लिए उसने एक यो कहना चाहिए कि अपने चारों तरफ जो है ना वो आयरन कर्टेन तैयार, नीति यहाँ वाली रूस वो आयरन कर्टेन उसने अपने चारों तरफ तैयार कर लिया था उस समय तक। आज तो चाइना अपने आप में एक वर्ल्ड पावर है, बाहर निकल रहा है, और आज सोवियत संघ है ही नहीं, और हम तो 2 साल बाद आजाद होने के बाद, हाँ आज नहीं, हम 47 के ऊपर नहीं साहब, देखिए साहब विचारधारा के विपरीत बता रहा हूँ, जैसे मैं आपकी बात का थोड़ा समर्थन कर रहा हूँ कि चाइना में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति अब चाइना में निकल के आ रहे हैं, तो ये चीज वो चाइना वाली उस विचारधारा के एक ये बड़ा इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्सेप्शन है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था का फैलाया हुआ है साम्राज्यवादी, मतलब कम्युनिस्ट का मतलब कोई भिखारी थोड़ी होता है। नहीं नहीं, हम वो बात अपने श्रम से अर्जित पूंजी का इस्तेमाल अगर वो है तो वो इजारेदार पूंजी नहीं है ना, पूंजीवादी भी यही कहेगा कि मैंने अर्जित की पूंजी। अरे नहीं, ये आपका गलत परिभाषा है, मैं उसको दूसरे संदर्भ में ले जा रहा हूं, श्रम की लूट से नहीं, मैं उसको दूसरे संदर्भ में, चलिए आप बता, चलिए आपने जो है वो अपने आप को इतना मजबूत कर लिया और वो जो पूंजीवादी रीति नीति थी
उस पूंजीवादी रीति नीति को अपना करके भी आप उस विचारधारा के जो है वो पहल हुए बने हुए हैं। आज भाई साम्यवादी समाज है, शासन व्यवस्था ही है वहां पर देखा जाए तो दोनों जगह कोई भाई चीन के अंदर दोनों जगह कहां रूस में नहीं रूस में कोई नहीं रूस में नहीं है अब उसको नहीं मानेंगे आप नहीं रूस है ही नहीं अब रूस के अंदर सोवियत संघ नहीं वो रूस में खत्म हो चुका है रूस में तो कुछ नहीं है। चीन के अंदर जो है वो शासन व्यवस्था तो आज भी हुई है भाई वे आप जो है ना मेथड ऑफ गवर्नेंस तो वहां का वही है। अब जब गवर्नेंस तो इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं वो विचार आपको जो है ना वो प्रेरित तो कर रहा है वो विचार आपके साथ है आप उस विचार से बंधे प्रतिनिधित्व आप उस विचार से बंधे हुए हैं। जब आप उस विचार से बंधे हुए हैं तो फिर ये आपका नैतिक और मानवीय दायित्व भी बनता है कि जहां जहां पर भी दुनिया के अंदर मानवता के ऊपर संकट आ रहे हैं वहां पर आप मानवता के पक्ष में खड़े हो। ये बात करते हो अभी अपन अभी कहीं लगता है ऐसा है कि हम मूल विषय से मैं वही कह रहा हूँ कि अपन चाइना रूस में चले गए अपन वापस आते हैं नहीं नहीं देखिए क्योंकि क्योंकि विचारधारा से जुड़ी है हाँ वो तो आएगा उनका प्रसंग वो अप्रासंगिक नहीं है प्रासंगिक है उनका आना थोड़ा अपन अभी थोड़ा सा इसको इधर मोड़े प्रगतिशील हाँ लेखक संघ का स्थापना का जो आपने बात की अब उसकी बात क्या वो बौद्धिक चेतना वो उस आजादी के दौर में उसकी स्थापना हुई तो जो क्रांतिकारी जो जमीन से जुड़े हुए जो परिवेश से जुड़े हुए और ब्रिटिश सत्ता की जो पीड़ाओं को अत्याचारों को और उत्पीड़न को जो समझते थे उसके प्रति प्रतिरोध की एक ताकत पैदा करने के लिए और उसका जो उद्देश्य था उसके प्रति प्रतिरोध की ताकत पैदा करने के लिए और वैचारिक क्रांति के लिए क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था ना मतलब क्रांति का आधार बम और बंदूक नहीं है क्रांति का आधार वैचारिक है हमेशा जब हमें अपनी कमतरी का हमें अपने शोषण और अत्याचार का होने और अपने ऊपर होने वाले का एहसास होगा तभी हम उसके लिए एकजुट होंगे या उसके प्रति उससे लड़ने के लिए खड़े होंगे। तो वो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी वो उस समय के क्रांतिकारी जनवादी विचारक ज़्यादातर उन्होंने की वो थी दिशा। वर्तमान समय में जो आपने आरोप लगाए वो बिल्कुल स्वाभाविक है और वही स्थिति है कि वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है सारा। वो किस लिए? क्योंकि वो उस पूंजीवादी सत्ता के प्रभाव में जो पूंजीवादी सत्ता है वो कभी नहीं चाहती कि जो समाजवादी तत्व हैं वो आगे बढ़े इसलिए उसने अपने लंपट तत्वों को प्राश्रय दे के तरह तरह से पारितोषक और ये और वो करके तो उसका स्वरूप ही बदल दिया गया है। आज देखिए जो जमीनी स्तर के जो क्रांतिकारी हैं वह कहाँ कितने शामिल हैं उसमें और वो कहाँ है क्रांति वो जो हमारा तथाकथित बौद्धिक वर्ग है उसमें वो चेतना कहाँ है वो आग कहाँ है उसके सीने में आज कौन सा आज अत्याचार की सांप्रदायिक हो जातीय हो आर्थिक हो मतलब इतना विकराल रूप ले चुकी है कि जिसका कोई वो एक तरीके से फासिस्ट शासन की स्थिति में हम आ पहुँचे उसके बावजूद हम सिर्फ ये चेमगोइयाँ कर लें चार लोग बैठ के जब तक हम ज़मीन पे जनता के बीच में नहीं उतरेंगे जब तक वो नहीं बहेंगे तो वो सब वो चाहे फैज हो या प्रेमचंद हो या वो हर तरीके से जितने भी गए हो तो अब आज का जो विषय था मूल वो आज हम यहाँ मनाने आए राहुल सांकृत्यायन को याद करने आए थे दोनों चीजें वो मनीषी ऐसे महामनीषी महापंडित जिन्हें खिताब दिया गया जहाँ तक एकेडमिक क्वालिफिकेशन का उनका सवाल है तो वो आठवीं पास थे लेकिन वो यायावर थे सारी जीवन और स्वाभाविक विद्रोही थे हर अत्याचार का और उसका प्रतिरोध उन्होंने शोषण का प्रतिरोध के लिए हमेशा तत्पर थे और देश ही नहीं विदेश तक वो भागे वो धार्मिक संकीर्णताओं के खिलाफ लड़े सारी जिंदगी उस पर जो पुरोहितों ने उनको लाठियां भी मारा उनके साथ हुआ है वो सहजानंद के साथ कृषि क्रांति में किसान क्रांति में सहभागी बने वहां सामंतों की लाठियां भी झेली वो
ने तिब्बत से लेके और श्रीलंका तक बहुत धर्म के अन्वेषण में, यानी वो वेदांति साधु से शुरू हुआ, उनका सन्यासी से जीवन शुरू, और जो वो हुआ वो कहते हैं ना जाकर के उन्होंने, और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, बहुत उससे प्रभावित हुए, तो उस बौद्ध धर्म के लिए कितना वो किया, कितनी किताबें लिखी, मतलब ये नहीं कि खाली बात छोड़ दी, उन्होंने पूरे उसका सार ढूंढ के लाए। यायावरी आपने कहा था, यायावरी के पीछे यही इनका है, उन्होंने ये कहा था कि आप गोमुख। उसके बाद फिर वो बाद में उन सब उस नाशों से होते हुए, उन्हें छानते हुए उठते हुए आखिर में आके कम्युनिज्म के समर्थक वो बने। लेकिन जो उनकी हकीकत थी, उनका जो जीवन दर्शन था, वो क्या था, यानी जन मतलब पूरे जनता के लिए, देश के लिए, परिवेश के लिए, उनके बीच, उनके साथ, हर समय और हर गलत का प्रतिरोध, ये राहुल सांकर टाइम का मतलब मूल सार तक थी। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात इसके अंदर और जोड़ना चाहता हूँ इसी बात बारे में, और वो बात ये है कि ठीक है, राहुल जी जो है वो एक वैष्णव परिवार से जो है ना सही निकले, और उसके बाद में वो आर्य समाज में भी दीक्षित हुए, और वो जो है ना बौद्ध धर्म में भी दीक्षित हुए, उसके बाद में वो वामपंथ की ओर उनका रुझान बढ़ा, और एक प्रतिबद्ध वामपंथी के रूप में मेंबरशिप थी उनकी, प्रतिबद्ध वामपंथी प्रतिबद्ध वामपंथी के रूप में जो है ना उनकी पहचान रही। इसके बावजूद भी मैं एक बात जानना चाहता हूँ ठाकुर साहब कि क्या राहुल जी ने साम्यवादी विचारधारा के अंदर जो सर्वहारा के अधिनायकवाद की बात कही जाती है, उस अवधारणा का राहुल जी ने भारतीय संदर्भों के अंदर कहीं पर भी समर्थन नहीं किया? हाँ, सहमत हूँ, नहीं किया, और उसी का क्यों नहीं किया, मैं ये थोड़ी बात स्पष्ट हो जाए। ये व्यक्तिगत क्यों, देखिए 1940 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के उसमें संपादन में एक पत्रिका निकलती थी, मतलब हाँ नहीं, ये संपादन में राहुल सांकर टाइम के किसानों की पत्रिका, किसान आंदोलन की, उसमें एक विज्ञापन सामंतों के और उनके विरुद्ध एक वो था, तो सहजानंद सरस्वती कह चाहते थे कि वो विज्ञापन जो का त्यों जाना चाहिए, मतलब सामंतवाद के और उसके खिलाफ जो खुला प्रतिरोध वाला, लेकिन वो उसको छापने में सहमत नहीं थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब वो सहज रूप से यहाँ ज्ञापन की बात कर रहे हैं आप, विज्ञापन नहीं, ज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन था, मतलब विज्ञापन था उसमें सामंतवाद का विरोध दर्शाता हुआ किसानों के पक्ष में, अच्छा, और वो तीखा सीधा प्रहार वाला कोई था, मैं ज्यादा बात तो वो उन्होंने वो उसको राजी नहीं हुए और उन्होंने फिर वो इस्तीफा दे दिया उससे, उसी के बाद उनके उसी विद्रोही स्वभाव से, ये सही है कि वो स्थिर चित्त नहीं थे, उनका स्वभाव लगातार बदलता रहता था, बिल्कुल बैठ, इसीलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी से भी की सदस्यता भी उनकी भंग कर दी गई उसी विद्रोही, क्योंकि वो अनुशासन को उसको नहीं माना उन्होंने, तो बाहर हो गए। नहीं नहीं, वो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी से जो पार्टी सदस्यता है वो तो मसला नहीं, वो मसला एक दूसरा मुद्दा था, और वो मुद्दा ये था कि उन्होंने इस देश के अंदर जो भाषावार राज्यों का गठन किया गया था उस पार्टी उसका उन्होंने समर्थन किया, जबकि वामपंथी पार्टी उस जमाने के अंदर भाषावार राज्यों के गठन के पक्ष में नहीं थी, तो ये सैद्धांतिक मतभेद था एक, इस सैद्धांतिक मतभेद के आधार पर उनको जो है ना वहां पर जो है उस पार्टी की सदस्यता, ये तो खर्चर पार्टी के डिसिप्लिन की बात है, विचारधारा तो वही थी, विचारधारा तो वही थी, संगठन ठीक है वहां, उसके हर संगठन के अपने एक नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं, वो उसका अपना एक डिसिप्लिन है, दिशा वही थी, बाकी विचार वही, लेकिन उससे पार्टी अनुशासन से अलग वो पूरी तरीके से उसमें नहीं, लेकिन आज आप और हम देखें, हाँ अपन ने छोड़ा था कि अब अपन इसकी प्रासंगिकता पर ही सोचें, अपने पास वक्त थोड़ा सा कम है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब इस विचार के लिए
कैसे तो उसको, जैसे हम खुद मान रहे हैं कमजोर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आवाज में कमी आ रही है, जिन आवाजों को उठाया, जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे डाल दिए गए परिस्थितियों कानून से, कैसे भी अब हमारा क्या दायित्व है। मैं आप बुद्धिजीवी वर्ग उनसे भी थोड़ा ये कि थोड़ा ठीक है, हमने मंथन तो कर लिया, अब भविष्य के लिए भी तो कुछ आप सक्षना साहब क्या करें, आप 5-7 मिनट में क्या करें। हाँ, बात वहाँ क्यों आई है कि आज का जो माहौल है जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे राइटर्स सामने आ रहे हैं, उसमें यंग भी हैं, और कोरोना काल की वजह से एक नया एक आंदोलन चल पड़ा है यूट्यूब को लेकर, फेसबुक को लेकर, और बहुत सारे मंच ऐसे बन गए हैं कि वो सभी कोई प्रस्तुत करने पर तुले हुए हैं, शायद वो अपनी संख्या बल बढ़ा रहे हैं, उसका सार्थक कितने हैं, अर्थवत्ता कितनी है, उस सब की क्या सामने आ रहा है उस पर तो कोई मंथन नहीं हो रहा, लेकिन एक दौड़ बनी हुई है। दौड़ से एक लाभ तो है कि लोग सामने आ रहे हैं, जो लोग अपनी रचनाएं प्रकाशित नहीं कर पाते बहुत सारे कारण होते हैं तो वो सामने आ रहे हैं, लेकिन उनको तटस्थ भाव से उनको साथ तो लिया जाना चाहिए, लेकिन उनका मार्गदर्शन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जहाँ कर रहे हैं वो उसमें ही संतुष्ट हैं कि मैं YouTube पे आ गया तो जीवन सफल हो गया, तो वो तो रुक जाएगा ना, उसका विकास गति सब रुक जाएगा, तो गति नहीं आ रही, गति नहीं आ रही, तो ऐसी रचनाएं भी नहीं आ रही। मेरे ख्याल से आप मेरी बात से शायद कुछ सीमा तक सही है। तो जब गति नहीं आ रही और सारा माहौल गतिहीन हो रहा है, लेकिन शोर है, शोर तो बहुत है लेकिन सार्थक गति नहीं, शोर में संदेश नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा। देखिए थोड़ा सा इनकी बात पूरी हो जाए फिर देखें। तो जब संदेश नहीं आ रहा तब जैसा कि अपन अपने अपना एक मंच है जन सरोकार मंच, उसमें भी अपन लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं इनसे मिलिए, और वहाँ अपन ये सवाल भी करते हैं कि आपने आपका लेखन के बारे में आप स्पष्ट एक सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान में पहले ही मंच है ऐसा जो सीधा सवाल करता है, ऑडियंस सवाल करती है। तो जब तक लेखक से सवाल नहीं किया जाएगा, लेखक को ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सवाल लेखक से ही नहीं, लेखक से तो सवाल हो ही, लेखक खुद भी सवाल करना चाहिए। सक्सेना जी का जहाँ तक आपने कहा कि लेखक को वो समझे, उस लेखक का दायित्व अगर वो स्वयं को बुद्धिजीवी समझता है तो उसका दायित्व क्या है। वो प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि हर गलत का, हर शोषण का, और जो आज वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक और सामाजिक रूप में भीषण रूप से व्याप्त है, वो तो उस गलत का, हर गलत का प्रतिरोध ही तो उस बौद्धिक चेतना से युक्त बुद्धिजीवी का दायित्व है कि उसके विरुद्ध प्रतिरोध को जागृत करें। नहीं 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 ठाकुर साहब, थोड़ा सा मैं एक बार की बात पूरी हो जाए। और तो लेकिन हम अपने सुविधा भोगी दायरे से, जीवन के दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और बाहर निकल के जब तक नहीं आएंगे वहीं खाली वो करते रहेंगे, तब तक ये इसी तरह की टेबल टॉक्स रह जाएंगी, तो फिर वहां तक वो प्रतिरोध विकसित आकर होगा कैसे, क्योंकि हम वास्तव में बुद्धिजीवी हैं ही नहीं, हम लंपट हैं, सर सिर्फ इश्तहारी हैं। मुझे अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ करूंगा मैं तो समापन अपनी बात को। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बनना। तो गाजी ये किरदार जब तक नहीं है तो वो बुद्धिजीवी मैं तो नहीं मानता कि वो नहीं। इसका ये एकेडमिक डिग्रियां इकट्ठी कर लेना ये बुद्धिजीविता का प्रमाण नहीं है। बुद्धिजीविता का प्रमाण साक्षात नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन या प्रेमचंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना प्रश्न यहाँ था कि जो आज का लेखक है, आज से लेखक से मतलब चाहे वो पिछले 20 सालों से लिख रहा है, 30 सालों से लिख रहा है, लेकिन वो आज लिख रहा है, तो आज के लेखक की चेतना को हम ये नहीं कहते कि वो गलत है,
लेकिन हम ये सवाल करते हैं लेखक से भी और पब्लिक भी इस लेखक से सवाल करती है कि भाई आप किस लिए कर रहे हो? अगर हमें चुकती नहीं है, हमें अपनी बात नहीं लगती है, तो आपका लेखन कितना अर्थपूर्ण रह गया? प्रश्न ये है। तो मेरा जो कहने का तो अभिप्राय था, बिल्कुल निरर्थक है वो, उसके पीछे प्राय लेखन का अपना एक उद्देश्य भी हमें निर्धारित करना चाहिए। वो सिर्फ लिखने भर मेरा मानना ये है कि लेखन का उद्देश्य तो जब आप पीड़ित मानवता के पक्ष में खड़े हो जाते हैं अपने आप तय हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाए, आपने लिख दिया वो नहीं, अपने आप तय हो जाता है कि आपका आपके लिखने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मुझे मैं एक सवाल करता हूँ, कोरोना काल के अंदर प्रवासी मजदूरों के दर्द को अगर आपने अपनी कविता के अंदर व्यक्त किया है तो आपका आपके लेखन का उद्देश्य स्पष्ट है कि आप कहां पर खड़े हुए हैं और किसके लिए लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, वो दिशा तय है। और अगर आपको जो है वो जो है ना वो नंगे पांव तपती हुई धूप के अंदर सड़कों पर चलने वाले लोगों का दर्द सालता नहीं है तो फिर आप जो है तो फिर चांद की चांदनी देखते ही रहेंगे। हाँ, बस। और जो है ना उस चांद के अंदर आप जो है ना उससे अपने अपनी किसी प्रेमिका क्या चेहरा तलाश कर सही है, है? तो वो जो बात है वो नहीं है, मसला कुल मिलाकर के ये है आपके कंसर्न्स क्या क्या है? जिसने पीड़ा को समझ लिया और व्यक्त कर दिया अपने आपके कंसर्न्स क्या है और वो महत्वपूर्ण वो जो कंसर्न है वो कंसर्न वर्चुअल नहीं होने चाहिए। दिक्कत यह हो रही है कि आज का जो लेखन है उसके अंदर वर्चुअल कंसर्न से ज्यादा आ रहे हैं जबकि कंसर्न आपका एक्चुअल होना चाहिए। एक्चुअल होना चाहिए, एक्चुअल कंसर्न वर्चुअल नहीं, एक्चुअल वर्चुअल नहीं होना चाहिए। यही कमी की बात अपन ये जो है ना दिक्कत वो आज के लेखन भाई मैं YouTube के ऊपर अपनी एक कविता डाल करके और मैं ये समझ लेता हूँ मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अरे भाई उससे आपका काम पूरा थोड़े ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसके पक्ष में आप खड़े हो या खड़े होना चाहते हैं वो वहां पर है ही नहीं। सही, जिस माध्यम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पास थोड़ी है, वो वहां पर है ही नहीं, 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 नहीं है, नहीं है। माध्यम ही गलत हो, वो माध्यम ही गलत है, ऐसी सीमित है। अब इसका मतलब ये है कि आप जो है आपके कंसर्न्स एक्चुअल होने चाहिए, वास्तविक जिंदगी के अंदर आप जो है ना उन लोगों के साथ में जुड़ी है तब आप जो है आपके लेखन की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। आज का जो रही अपनी जो भी दोस्ती है या जो भी परिचर्चा है तो मैं इस निर्णय पे पहुंच रहा हूं थोड़ा बहुत कि समय और परिस्थिति के अनुसार स्पंदन तो है लोगों में कहीं ना कहीं लिखने का और उसका जज्बा भी है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं हम झिझक में उलझे हुए हैं। उड़ने की कैपेसिटी तो है, कहीं ना कहीं उस तोते की तरह हो रहे हैं जो पिंजरे में रहने का इतना आदि हो गया कि पिंजरा खोलने के बाद भी उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा ठोका लगने की ज़रूरत है, लग जाए जैसे अब ठाकुर साहब कहते हैं तो कहीं उड़े। और प्रासंगिकता तो है इस विचार की और उसकी, वर्तमान भारत को ही नहीं विश्व को इसकी आवश्यकता है। और मानव समाज के अंदर शोषण जारी रहेगा इसकी जरूरत इस विचार की जरूरत रहेगी। ये अप्रासंगिक कभी हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत आभार जन सरोकार मंच का और आप लोगों का जो आप लोगों ने इस परिचर्चा को इतना जीवंत रूप दिया। धन्यवाद।